और अब देखिए कि कैसे एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे का बड़ा असर हुआ है। स्टिंग में बेनकाब हुए तीनों मंत्रियों के निजी सचिवों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में तीनों निजी सचिव कैमरे पर रिश्वत की डीलिंग करते हुए कैद हो गए थे। बड़ी खबर, बड़ा असर। एबीपी न्यूज की खबर ने की भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट। ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे का असर। यूपी के तीन मंत्रियों के निजी सचिव गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन। सीएम की नाक के नीचे के जरिए बेनकाब हुए तीन मंत्रियों के निजी सचिवों पर गाज गिरी गई। तीनों निजी सचिवों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्त में आए ये तीनों निजी सचिव हैं मंत्री अर्चना त्रिपाठी के निजी सचिव राम नरेश त्रिपाठी, मंत्री संदीप सिंह के निजी सचिव संतोष अवस्थी और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निजी सचिव ओम प्रकाश कश्यप। एबीपी न्यूज ने 26 दिसंबर को स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि कैसे यूपी सरकार के तीन मंत्रियों के निजी सचिव रिश्वत की डीलिंग करते हैं। तो ज्यादातर टाई अप इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, आपको महीने देते रहे ना, हाँ। मैं कमाई इस तरीके से ये लोग करते हैं सेटिंग। अच्छा, 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी, तो बात बताइए। हाँ, वो कर देंगे, वो ज्यादा ठीक है। एबीपी न्यूज के छुपे कैमरे ने तीनों निजी सचिवों को पैसों के लेन देन की बातचीत करते कैद किया था। नहीं, उसमें जैसे मान लिया 50 करोड़ में आप उनको क्या देंगे वो बताएं। ये आप जो भी कहेंगे, जो आप कहेंगे, जो टोकन कहेंगे हम, जो वाजिब उनका होगा। हाँ, जो वाजिब उनका होगा, टोकन आप जो भी कहेंगे हम, ये बात मैं उनसे करके फिर आपको बता दूंगा। स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के महज 12 घंटे बाद मामले की जांच शुरू हो गई थी और 12 दिन के अंदर कार्रवाई भी हो गई। इन तीनों कर्मियों के घर पर 1 तारीख को छापे मारे गए, जिसमें कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। बाकी बयानों के आधार पर और बाकी जितने भी साक्ष्य थे उनके आधार पर इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया गया। परसों रात को इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और कल इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इसमें कई अन्य पहलुओं पर अभी जांच बाकी है, जो जांच प्रचलित है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए थे। यूपी सरकार ने साफ किया है कि योगी के राज में जिन्हें भ्रष्टाचार से प्यार है उनको नमस्कार है। ये कोई इस प्रकार की घटना करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, तो योगी जी की अगुवाई में जब से हमारी सरकार बनी है तब से इस प्रकार की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया गया है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवा जिसको सरकार में, हमारी सरकार में देना है वह काम करे और जिससे भ्रष्टाचार से प्यार है उसको नमस्कार। तीन सचिवों की गिरफ्तारी के जरिए योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने दावे को सही साबित कर दिखाया है। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। लेकिन विपक्ष का मानना है कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद सरकार पर कार्रवाई का दबाव बन गया था। गिरफ्तार हो तीन मंत्रियों के जो लोग हैं इनके बारे में पहले भी आया था और अब इनको गिरफ्तार किया गया, ऐसे साफ जाहिर होता है कि ये लोग मुलव्वस हैं। और किसी मंत्री का सेक्रेटरी बाकायदा इस तरह का काम करे और महीनों नहीं साल तकरीबन होने को आ रहा है, अगर ऐसे काम करता है तो क्या आप उसे छोड़ देंगे, क्या आप उसे माफ कर देंगे? ये समझा जाएगा कि इसके अंदर मंत्री भी इन्वॉल्व है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने तीनों मंत्रियों के गिरफ्तार निजी सचिवों की कस्टडी की मांग की है, जिस पर अदालत सोमवार को फैसला करेगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।